हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज हम एक्सेल के ट्रिक्स लेसन नंबर 12 में हम सीखेंगे कुछ नया। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आप किस तरीके से किसी भी एक्सेल शीट पे या एक्सेल सेल पे लिखा हुआ टेक्स्ट को इनविजिबल कर सकते हैं, जो किसी को भी नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एरिया सिलेक्शन कर लिया और मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया हाउ टू इन विजिबल एनी टेक्स्ट इन एक्सेल सीट। और उसके बाद मैंने इसकी हेडिंग बना लिया सेंटर, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज, बोल्ड और फिल अप कलर से। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू टेक और उसके बाद मैंने ये एरिया इतना सिलेक्शन करके कंट्रोल आर कंट्रोल डी से ऐसे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा इनविजिबल हो जाए, तो मैंने इस डेटा को सिलेक्शन करूँगा और सिंपली इस ये जो फिल कलर है, फ़ॉन्ट कलर, इसे मैं वाइट कर दूंगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी कोई दूसरा पर्सन इस पर कोई भी फिलअप कलर ऐसे करता है तो उसे वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो मैंने इनविजिबल किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कुछ भी चीज़ लिखें और वो किसी को दिखाई ना दे, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ASDF, ये है आपका नॉर्मल, और ये मैंने एरिया सिलेक्शन करा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी दबा दिया, लेकिन जब मैं कोई कलर करता हूँ तो ये मुझे दिखाई देगा। मतलब इस तरीके से आप इसे इनविजिबल नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, इस एरिया को मुझे इनविजिबल करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मोर नंबर फॉर्मेट्स पे, और उसके बाद आप जब यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे कस्टम पे, तो यहाँ पे जर्नल जो लिखा हुआ है इसे आप हटा दीजिए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए सेमी कोलन, थ्री टाइम सेमी कोलन आपको डालना है और उसके बाद ओके कर देंगे तो उसके बाद जो डेटा है वो आपका इनविजिबल हो जाएगा। अब देखिए, मैं इस पर कोई भी कलर वगैरह डालता हूँ तो कोई भी कलर इफेक्ट डाल रहा हूँ तो भी नहीं दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट का कोई भी कलर मैं डालता हूँ तो फ़ॉन्ट का भी कोई भी कलर आप डालते हैं तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने वाइट कर दिया तो भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डेटा यहाँ पे पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका है। लेकिन अगर आपको इसे वापस लाना है तो आप क्या करेंगे, उस एरिया का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ जो कस्टम लिखा है इसे आप जनरल कर देंगे तो आपका डेटा दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल के किसी भी टेक्स्ट को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं, जो किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं दिखाई देगा। तो ये था एक्सेल का ट्रिक, शायद आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आई होगी तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर इस जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसकी अगर आपको प्रैक्टिस फाइल चाहिए या इस वीडियो की प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फाइल का लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाकर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।